जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। मुझे लाइव आना पड़ा साथियों एक बहुत जरूरी मुद्दे पे। वहाँ नेटवर्क नहीं थे तो सही बात नहीं हो पा रही थी। मेरे बाद आप इस लाइव को देखेंगे। भीम आर्मी जुड़े जितने साथी हैं वो इस लाइव को देखें, और इस लाइव से जो मैं कह रहा हूँ उस मैसेज को जो है बहुत जिस न्याय की मांग के लिए मैं लाइव आया हूँ उस न्याय की मांग को बुलंद करें। हम आज तो बिजनौर थे, यहाँ पर विपेंद्र की हत्या हुई थी, न्याय नहीं मिल रहा, तो भीम आर्मी टीम ने वो लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाया। लेकिन आज एक समस्या और है, जो मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। छोटी बहन पायल ने जान दी है अपनी, सुसाइड किया है, और वो सुसाइड क्यों किया है ये जानना बहुत जरूरी है। उसको वो रिजर्वेशन कोटे से है, वो छोटी जाति की है, वो एक आदिवासी बहन है, ये कह के जो है उसको रोज रोज उसके सीनियर द्वारा अपमानित किया जाता था। वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने शिकायत की प्रशासन से कि प्रशासन संज्ञान ले। प्रशासन की चुप्पी ने उसकी जान ले ली। प्रशासन का जो रवैया है, दो मुहा जो रवैया, उसने जान ले ली, तो हमारी छोटी बहन पायल हमारे बीच नहीं रही। मैं याद दिला देना चाहता हूं, पहले हम रोहित वेमुला खो चुके हैं। पहले हम भाई रोहित वेमुला खो चुके हैं, आज एक और रोहित वेमुला की तरह हमारी बहन ने जो है दो दिन पहले अपनी जान दी है। मैं नहीं चाहता ये घटना दोबारा दोहराई जाए। पहली बात तो सरकार ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करे, वरना मैंने ट्वीट भी किया मुझे महाराष्ट्र आना पड़ेगा, मैं महाराष्ट्र आऊंगा, तो फिर चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े लेकिन हम अपनी बहन को न्याय दिलाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अब किसी बहन को पूरे देश में, कोई भी बहन जो ऐसी जातिवादी का, कोई भी भाई ऐसी जातिवाद का जो दंश झेल रहे, जिनको परेशान किया जा रहा, वो हमारे भीम आर्मी पेज पे हमसे संपर्क करें, हमें मैसेज भेजें। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को पूरे देश में, किसी अधिकारी कर्मचारी को जातिवाद के ऊपर अगर किसी को अपमानित किया जा रहा हो, किसी का जो है किसी को परेशान किया जा रहा हो, किसी की रैगिंग की जा रही हो पूरे देश में, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी किसी विभाग से किसी अधिकारी कर्मचारी, किसी बहन को, किसी भाई को अगर अपमानित किया जा रहा हो, उनको उनको न्याय ना मिल रहा हो, उनको उनको जो है उनकी उनकी जो अप्लीकेशन है प्रशासन के खिलाफ या उन अपराधियों के खिलाफ उन पर कार्रवाई ना हो रही हो, तो पूरे देश में जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी बात होती किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ, किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ, आप हमें खबर भेजिए। हम किसी को, देखिए मैं मानता हूं कि पायल ने जान दे दी, वरना उपाय नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ लड़ना था। लेकिन छोटी बहन, मैं समझ सकता हूं कि तुम पे क्या बीती होगी, ये छोटा मामला नहीं है। पहले एक रोहित वेमुला को खो चुके थे हम, अब पायल को खो दिया है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं जितने लोग इस लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं वो पायल को न्याय के लिए मांग करें, वो अपने डीपी बनाएं, फेसबुक पोस्ट करें एक बहन के लिए जरूर, सोशल मीडिया से प्रेशर बनाएं। महाराष्ट्र की पूरी टीम हमने लगा दी है, अगर महाराष्ट्र की पूरी टीम लगा दी है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुद जाऊंगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन मेरे होते हुए भी अगर मेरी बहनों को के साथ अन्याय हो रहा हो तो ये नहीं होने दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, अगर अब तुम्हारा चुनाव का काउंटडाउन खत्म हो गया, चुनाव तुमने जीत लिया, सरकार तुमने बना ली है, अब अगर ये खत्म हो गया तो अब अपनी जो कुर्सी है, संवैधानिक कुर्सी जिससे तुम मुख्यमंत्री पद बैठे, उसका उसका भी जरा सा पालन कर लो। भाजपा के लोग जो सबका साथ सबके विकास की बात करते, हिंदुत्व की बात करते हैं, शर्म कीजिए। ये एक जाति की वजह से एक बहन की जान गई है, उसका अपराध यह है कि ये आप लोगों के द्वारा, मनुवादियों द्वारा बनाए गए जाति का जो दंश आप लोग भरते हैं, जो जाति से आप लोग जो है अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं, जो आपको अपने आप को घमंड है जाति का, ये जो जातिवाद आपने इतने बड़े पैमाने पे फैलाई, ये उसकी देन है कि एक होनहार बहन ने, डॉक्टर पायल ने अपनी जान दे दी है। मैं बहुत दुखी हूं,
और उम्मीद करता हूं कि साथी इस आवाज को बुलंद करेंगे। डॉक्टर पायल बहन को न्याय मिलेगा। मैं पूरी भीम आर्मी की टीम जो मुझे सुन रही है उनसे भी कहता हूं, अन्याय के खिलाफ अगर आप चुप रहेंगे तो जालिम के हौसले बढ़ जाएंगे, वो दुगने बड़े पैमाने पे जो है अन्याय करेगा। आपको जागना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बहन पायल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन जातिवादियों की वजह से। एक बहन जो होनार बहन थी उसकी जान चली गई। अरे हमारे हमें पता है हम कैसे पढ़ते हैं, हमारे लोग जिनके पेट में एक टाइम की रोटी नहीं वो कैसे पढ़ के जो है अपने आप को साबित करते हैं। ये अन्याय है और न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी उसके लिए भी हमें जो है रोड पे उतरना पड़ता है और लोग हमसे सवाल करते हैं। अगर राजस्थान सरकार की तरह जो है जैसे जयपुर बंद करा तो हो सकता है महाराष्ट्र में मुंबई बंद करना पड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बहन को जल्द से जल्द न्याय ना मिला, अपराधियों की गिरफ्तारी ना हुई जैसे सरकार ने वहां ढूंढ, सरकार ला सकती है ढूंढ के, सरकार ला सकती है ढूंढ के। सरकार को जो सरकार है, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, उन अपराधियों को ढूंढिए जिन्होंने हमारी बहन की जान ली, ऐसे अपराधियों को जेल में भेजिए। और रैगिंग के ऊपर जो जातिवादी टिप्पणियां की जाती है दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में, इस पर सख्त कानून बनाइए जिससे किसी दूसरी बहन या भाई के साथ ऐसा ना हो। पायल बहन को, डॉक्टर पायल बहन को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन मेरी छोटी बहन आपने ये जल्दबाजी कर दी। मैं नहीं चाहता कोई बहन भाई दोबारा ऐसा करे। जो किसी को ऐसी समस्या हो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जय भीम। मैं चाहता हूं न्याय मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथी जुड़े हुए वो न्याय की आवाज को बुलंद करें। अब सरकार विरोधियों की सरकार है लेकिन हमें अपनी आवाज उठानी है, हमें अपने लोगों को न्याय दिलाना है। हमारे लोग पूरे देश में, बहुजन समाज के लोग अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब लोग आपके साथ हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भारत, जय बहुजन समाज। और मुझे भरोसा है कि युवा साथी इतना मजबूती से न्याय के बारे में बुलंद करेंगे कि हमारी बहन को न्याय मिलेगा। पूरे भरोसे के साथ अलविदा ले रहा हूं लाइव से। जय भीम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके